ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताते हैं कि कौन से अनाज से श्रावण मास में भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। वैसे तो आप जो अनाज मैं बता रहा हूँ आप कभी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, लेकिन श्रावण मास में इसका विशेष फल होता है। धर्म ग्रंथों में भगवान शिव को विभिन्न प्रकार के अनाज अर्पित करने का विधान बताया गया है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भगवान शिव को यदि आप चावल चढ़ाते हैं तो चावल से आपको धन की प्राप्ति होती है। यदि आप तिल चढ़ाते हैं तो तिल से आपको पापों का नाश हो जाता है। यदि आप भगवान शिव को जौ अर्पित करते हैं तो उससे आपके सुख में वृद्धि होती है। यदि आप गेहूं चढ़ाते हैं भगवान शिव को तो संतान वृद्धि होती है। अभी एक चीज हम आपको बता दें कि ये सभी अन्न भगवान को अर्पण करने के पश्चात आपको गरीबों में वितरित कर देना है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।